सैम रनआउट जब हुए थे तो आप और बाबर का हालांकि बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जा रहा था और उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे पेशावर वन साइडेड जीत जाएगी, तब बाबर ने आपसे क्या कहा था जब आप रनआउट हुए थे? रनआउट तो मैं जैसे ही हुआ हूँ तो मैं चला गया था, बाद में उन्होंने बोला कि सॉरी मेरी वजह से आउट हो गया, बट मैंने बोला नहीं वजह कोई नहीं थी, मेरी गलती थी और ऐसा हो जाता है, पार्ट ऑफ गेम है, तो ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ गेम है, गलतियाँ भी होती हैं, साथ भी एक दूसरे का देते हैं। पहला मैच हार गए थे आप लोग, क्लोज मार्जिन था, कितना वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर? जी बिल्कुल, अभी तो टूर्नामेंट का स्टार्ट है और पहला मैच हुआ है हमारा और बस यही कोशिश है हमारी कि उसमें जो हमने गलतियां कुछ की हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें, रिपीट ना करें, और जो अच्छी चीज़ें की हैं उन पे भी फोकस करें, उनको और अच्छा करने की कोशिश करें। साइम स्पेशल आपको अटेंशन दी जाती है नेट के अंदर भी, सपोर्ट भी किया जाता है खासकर डैरेन समी कप्तान की जानिब से, इससे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मिलता है या प्रेशर भी एड ऑन होता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है? नहीं, अब मैनेजमेंट का सपोर्ट तो पूरी टीम के साथ ही है और जो भी प्लेइंग 11 का पार्ट उनके माइंड में होता है उसको वो अटेंशन पूरी देते हैं और कोशिश करते हैं कि फुली प्रिपेयर्ड हो। सैम लास्ट सीज़न में ना आखिरी तीन मैच में आपने अच्छा फिनिश नहीं किया था जिसकी वजह से आखिरी मैच आप हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। लास्ट मैच में भी इसी तरह से हुआ, आपने ओपनिंग अच्छी की फिर उसके बाद फिनिश अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से मैच हार गए आप, तो क्या लगता है एक साल गुजरने के बाद भी आप कुछ सीखे नहीं हैं या फिर उस पर काम ही नहीं किया आपने? जी बिल्कुल, T20 जो है मोमेंटम की गेम है और जब मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो फिर सामने वाली टीम को जो है बिल्कुल ही अटैक करके गिराना पड़ता है क्योंकि कभी भी पलट के वापस आ सकती है। और जहां तक आपने पिछले साल की बात की, बिल्कुल हमने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से हम लोग क्वालिफायर में जीत नहीं पाए थे, बट इस साल हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैच में हम लोग जो मोमेंटम एंड तक कैरी नहीं कर पाए उस पर काम करें और कोशिश करें कि वो और अच्छा हो सके। साइम आपकी नो लुक शॉट भी बहुत मशहूर है, कल हाजा नाफे भी खेल रहे थे, बाकायदा तौर पर नदीम उमर ने भी बताया कि ये दोनों का पेयर होता है, आप हाजा नाफे को कैसा देखते हो, कल की बैटिंग कैसी लगी आपसे? जी बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड है, मेरे साथ तो वो कराची में भी बहुत खेलता रहा है, मैं तो उसको बहुत पहले से इवन बचपन से ही जानता हूँ और माशाल्लाह अच्छी बैटिंग की है, उसके लिए दुआएं हैं, उसके लिए बहुत खुश हूं मैं। और शॉट तो मॉडर्न शॉट है, सब लोग ही ट्राई करेंगे इसको खेलने के लिए, बल्कि सारे शॉट्स ही ट्राई करेंगे क्योंकि T20 क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि पूरे ग्राउंड में आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं। साइम अगर आपकी बैटिंग को देखें सर की तो बड़ी डेप्थ तक बैटिंग है, तो बाजूका ये भी होता है कि ज़्यादा लंबा बैटिंग ऑर्डर हो तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ये नहीं हुआ कि जो फिनिशिंग नहीं कर पाए रिलैक्स थे कि लंबी बैटिंग है तो कर लेंगे उसको? नहीं, एक मैच के बाद जो है ना हम लोग खुद जो है वो जज नहीं कर सकते बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग को, बट ये है कि जैसा मैंने बताया कि T20 गेम है, इसमें मोमेंटम आपको एंड तक कैरी करना पड़ता है, आप बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ सकते और गलतियों की गुंजाइश कम होती है, तो हमारी यही एक्सपेक्टेशंस भी हैं और उम्मीद है बैटिंग ऑर्डर से कि इंशाल्लाह आगे जो हमने गलतियाँ की हैं पीछे वो आगे ना दोहराएं और उसको इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे। साइम ये बता दिया कि अभी आप डैरेन सैमी के साथ कोई चल रहा था, ये क्या चैलेंज था या किस तरह से, ये थोड़ा सा टारगेट ये जी वो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस था हमारा, थोड़ा सा वो फ़न ऐड करने की इसमें कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एंड में फ़न भी हो जाता है साथ में ना, तो वो थोड़ा काइंड ऑफ टीम जेलनेस भी हो जाती है, तो यही था कि 6 बॉलों पे इतने रन बनाने हैं तो उनका खुद का भी फ़न हो जाता है क्योंकि वो भी पूरे दिन कोच की तरह जो है वो मतलब कोच है हमारे तो खड़े रहते हैं तो उनको भी थोड़ा फ़न चाहिए होता है, तो उन्होंने बोला कि एक ओवर का चैलेंज खेलते हैं सबके साथ, तो वो हर साल ही इस तरह वो प्रैक्टिस में करते हैं और हम इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। अच्छा साइम, आप यहाँ पर एक मैच खेल चुके हैं और बाकी मैचेस भी देखे होंगे, पिच किस तरह से रेट करते हैं लाहौर की पिच को और क्या जो है वो अप्रोच लेके खेलेंगे अगला मैच? अप्रोच तो देखें, पेशावर ज़ल्मी तो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलती है हमेशा से, चाहे प्रेशर में हो या चाहे ना हो, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो, उसमें अटैकिंग ऑप्शन चूज़ करें, चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो। और कंडीशंस की जहाँ तक आपने बात की तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, प्रेशर गेम्स होते हैं, तो उसको हमारा फोकस है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उससे अच्छा करें पहले से।